मिरजांगा में चार बच्चे डूबे, दो को स्थानीय लोगों ने बचाया, परिजनों में मचा हाहाकार। महुआ से नसीम रब्बानी के साथ सुधीर मालाकार की रिपोर्ट। महुआ वैशाली जिले में दिल दहला देने वाली घटना महुआ प्रखंड के मिरजांगा स्थित गड्ढेनुमा पोखर से प्राप्त हुई है, जहां पर स्नान के दौरान चार बच्चे डूबे, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से दो बच्चे को बाहर निकाला गया, जबकि दो बच्चे का मृत लाश बरामद हुई। घटना मिरजांगा हाईस्कूल से गंगा हरपुर की ओर जाने वाली HP गैस एजेंसी के पास तालाब की है, जहां दिन में बच्चे स्नान करने के लिए गए थे और स्नान के दौरान वे गहरे पानी में चले गए। चिल्लाने के बाद स्थानीय लोगों ने के सहयोग से दो बच्चे को बचाया जा सका। दो बच्चे लापता पाए गए। खोज के बाद दोनों बच्चे के मृत शरीर मिला। मृत दोनों बच्चों में मिही पासवान के पोता रामनाथ का बेटा पवन कुमार उम्र लगभग 9 वर्ष तथा सीताराम की बेटी प्रीति कुमारी उम्र 13 वर्ष बताया गया। मृतक दोनों भदवास के वार्ड संख्या 1 के बताए गए हैं। घटना के समाचार मिलते हुए महुआ पुलिस मौके पर पहुंचकर घटना की छानबीन में जुटी है। कुछ लोगों ने बताया कि JCB के द्वारा मनमाने ढंग से मिट्टी की कटाई की जाती है। बरसात के दिनों में प्रत्येक वर्ष ऐसी घटना कहीं ना कहीं घट जाती है। न JCB वाले के पास मापदंड है और न ही सरकार की ओर से किसी पदाधिकारी की नज़र है, नहीं तो ऐसी घटना देखने या सुनने को नहीं मिलती। समय रहते अगर इस पर ध्यान नहीं दी गई तो इसी तरह ग्रामीण गरीब के बच्चे काल के गाल में समाते रहेंगे। मौके पर उपस्थित वार्ड संघ अध्यक्ष मुकेश यादव ने जानकारी दी। क्या मामला है? मामला है भदवास पंचायत और मिर्जानगर के बॉर्डर पर था पोखरी, और सब लोग भदवास के बच्चे थे, और दो गो उसमें डूब के मर गया और दो गो जो है इलाज के दौरान अभी हॉस्पिटल में गया। कहाँ का मामला है? भदवास पंचायत का है। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार।